झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा, माँ तेरा ही सहारा दादी, ओ तेरा ही सहारा मेरी दादी तेरा ही सहारा, ओ झुंझन वाली दादी में सती रानी हमें तेरा ही सहारा। बोलिए श्री रानी सती मात की जय, बोलिए श्री रानी सती मात की, बोलिए श्री रानी सती मात की जयकार। हमें नाच तो कुन कुन नहीं करके बैठे हो बताओ तो, इतना जन नहीं करे हो ना, और जो कर नहीं किया और कुन कुन करके बैठे हो है? अब शर्मा तो हाथ नहीं उठा रहा, आने यो नहीं पतो कि मैं पहली गिन लिया जो नहीं खाकर बैठे हो, जी कह नहीं उठिया बे तो सब खाएड़ा ही बैठे है। चलो साहब, जो नहीं खाए हुए हैं उनको नमन, पर जो खाए हुए हैं उनसे विनंती के जयकारे में कंजूसी नहीं। बोलिए श्री रानी सती मात की, हाँ जयकारा बराबर लगाते रहिए साहब, जयकारा मातेश्वरी को प्रिय है। तो आइए तीसरे स्कंद प्रारंभ करें कि एक स्तवन रख ले भगवती का, एक भजन कर ले फिर तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए पाठ चालू करें कि भजन कर ले एक बार, भजन हाँ पाठ तो रोज ही पड़ा घर में, भजन करो महाराज। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जय काली पांच। तो देखिए झुंझुनू मंदिर कौन कौन गया है, वाह कौन गया, अरे गयो है ना तो उठा, जो झुंझुनू गया है वो षोडश मातृका का मंदिर है ना, आरती रखते हैं वहां बिल्कुल सामने है ना, सीढ़ियां उतर के आरती ली, आरती लेकर षोडश मातृका की तरफ बढ़े, बगीचे का छोटा सा दरवाजा है स्टील का, खोलते हैं तो चलने के लिए मार्बल का रैंप है, आगे जा करके एक पंचायत बैंक से राइट की तरफ रास्ता घूमता है जो षोडश मातृका तक जाता है, जहां से आप घूमते हो वहां पर एक पेड़ लगा है, वो पेड़ कितने लोगों ने देखा है जरा ईमानदारी से बताओ। अरे हम मंदिर जाते हैं मंदिर की परिकल्पना पर विचार नहीं करते, माई ने कहा क्या किस लिए लगा रखा है हमको पता ही नहीं है, बस जाते हैं माई को देख के आ जाते हैं। और बहुत सारे भक्त तो इतने महान है यारो, वो लोग माई के सामने जाते हैं और मैं सबसे बड़ा भगत हूं ये बताने के लिए आंख मीच के खड़े हो जाते हैं। अब उससे कोई पूछो, तू साल भर तो रोता रहा मैया झुंझुनू बुला दर्शन दे, झुंझुनू बुला दर्शन दे, और अब जब मैया के सामने आने की बारी हुई तो तू आंख बंद करके खड़े हो गयो, आंखें खोल के देख। साधु महाराज ने बतावे, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि ये माया मोह के पर्दे हैं जिनके कारण हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, ये माया मोह के पर्दे और कुछ नहीं, आंखों की ये दो पुतलियां ही है, एक माया एक मोह, ये बंद होते हैं तो भगवान नहीं दिखते, वरना खोलो तो दरबार में साक्षात जगदम्बा दिखी जाती है। तो आइए साहब, हम लोगों को भी माई का दीदार करना है, उसी मंदिर के सामने बने हुए पेड़ के लिए एक भजन है, पंक्तियां सुन लीजिए फिर गाइएगा मेरे साथ में। हो अरे हरी नी मड़ी श्री मंदिर की, हो हरी नी मड़ी श्री मंदिर की, बड़े ठिकानो मारो, वो जो पेड़ है उस पेड़ पे मुझे बैठा लो मैया कि मैं वहां से आपको हर पल। अरे हरी नी मड़ी श्री मंदिर की, बने ठिकानो मारो, हरी नी मड़ी श्री मंदिर की, बने ठिकानो मारो, अरे बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी बन के सूबटो थारो, अरे बैठ रटू तेरो नाम
तोता पैरट सूटा मने ठीक है कि बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी बनक सूवटो थारो थारो। तो आइए हम लोग मिल करके अब दादी जी के प्रार्थना करें कि मैया यद्यपि कोई जन्म दो तो अगला जन्म किसी मोर या तोते का देना और हमको अपने दरबार में बैठा लेना। तो आइए जो जो तोता बनने को तैयार है वो मेरे साथ गाइए। ओ हरी नी मड़ी श्री मंदिर के बने ठिकानो मारो हरी नी मड़ी श्री मंदिर के बड़े ठिकानो मारो अरे बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी बन के सूबटो थारो बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी बड़ के सूबटो थारो बन के सूबटो थारो रटते रहने की नाम रटन दिन रैन मावड़ी मैं तो कर तो जाऊं नाम रटन दिन रैन मावड़ी मैं तो कर तो जाऊं आता जाता सेवकिया से जय जय माँ बुलवाओ आता जाता सेवकिया से जय जय माँ बुलवाओ और चुके की चिंता दाने की चिंता मत कीजिएगा क्योंकि ढाप के जीमू पर शादी में ढाप के जीमू पर शादी में फल और मेवो न्यारो ढाप के जीमू पर शादी में फल और मेवो न्यारो अरे बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी बन के सूबटो थारो अरे बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी छूट होगी कहीं भी उड़ के पंख पसारिया उड़ उड़ जाऊं नगरी नगरी घूमूं पंख पसारिया उड़ उड़ जाऊं नगरी नगरी घूमूं नित का उत्सव निरखूं थारा भजन भाव में झूमूं अरे नित का उत्सव निरखूं थारा भजन भाव में झूमूं अरे ऐडो कोई जो बिठा दे ऐडो कोई जोग बिठा दे भाग जगा दे मारो ऐडो कोई जोग बिठा दे भाग जगा दे मारो बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी बन के सूबटो थारो बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी बन के सूबटो थारो बन के सूबटो थारो भवन में जाते हैं जहां माई के पंखे लगे हैं उनके ऊपर झरोके बने हुए हैं जहां से भगवान सूर्य नारायण की रोशनी श्री मंदिर में प्रवेश करती है। जब उड़ने की क्षमता होगी और तोते बन जाएंगे तो चुपचाप भक्तों की भीड़ में घुस करके हम लोग सभा भवन के बैठ झरोके सभा भवन के बैठ झरोके माई का करूं आरती पांच बख
तखत की करूं आरती, निरख निरख सुख पाऊं। पांच बखत की करूं आरती, निरख निरख सुख पाऊं। आज आज घर में बैठे तरसते हैं, लेकिन जब उसके दरबार के तोते बन जाएंगे ना, तो क्या होगा? मिंगसर और भादो रो मेलो, मिंगसर और भादो नवमी को, हर मिंगसर भादो के मेला को उड़ उड़ करूं नजारो। मिंगसर भादो के मेला को उड़ उड़ करूं नजारो। अरे बैठ रटू तर नाम मावड़ी, बन के सूब तो थारो। बैठ रटू तर नाम मावड़ी, बन के सूब तो थारो। फसाजो अरे लख चौरासी का फेरा में मत ना फेर फसाजो। अरे जो तू चावे करूं मावड़ी, जो तू चावे करूं मावड़ी, कहनो मानू थारो। जो तू चाहे करूं मावड़ी, कहनो मानू थारो। अरे बैठ रे तू तेरो नाम मावड़ी, बन के सूबटो थारो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए, माई ने सबको चुनरी उड़वा दी साहब। अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तृतीय स्कंद को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री रानी सत्यै नमो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री नारायणी चरित्रमानस। तृतीय स्कंद, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विशो जय। अर्थात दैत्यों को मारने वाली देवी तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, नाश करो। तो यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, दूसरी कथा सुनो मेरे भाई। जाली राम एक वैश्य सुजाना, रहते थे दिल्ली जग जाना। दयावान सुंदर मति धीरा, व्यापारी थे अति गंभीरा। लेन देन धंधा करते थे, खूब भक्ति शिव की करते थे। और गुणवंती थी नारी सुंदर, रहती पति सेवा में तत्पर। नारी धर्म पालन करती थी, साधु संत सेवा करती थी। की गति अनुसार समय जाता था, धंधा भी अच्छा चलता था। एक समय की बात बताऊं, मति अनुसार प्रसंग सुनाऊं। नगर हिसार अति विख्याता, जाली राम रुके मग जाता। मिली सूचना जब नवाब को, झट बुलवाया जाली राम को। तो सेनापति झट ले गया जाली राम को, आए खास महल में ले गया।
धड़ चंद दिया मिला, खास महल में ले गया, झड़ चंद दियो मिला। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं फिर से एक बार, हो का हो रे जय जय। रास्ता का बैठे वाला पीछे वाला कौन बोल रहे? देखो साहब, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां तक सही हूं कहां तक गलत, पर मैं सच बताऊं, जब ये जयकार और ये ताली की बात आती है ना, तो मेरी आंखें ठीक उसी जगह जाकर रुकती है जो जयकारा नहीं लगा रहा होता है। बोलिए, आप भी बोलिए, अरे कहो रे जय जय। अब जो वॉलंटियर को कार्ड डाल के खड़ी बा कौन बोली? सबसे पीछे जो तुम्हारे खड़े ना, देखो वॉलंटियर बन के वह बातों में लगी हुई है। बा बोली तो थी आबा के लिए, हाल आई को नहीं भाई, इकट्ठा थारो ध्यान। बोलिए आप भी, आपको वॉलंटियरशिप जरूर दी गई है लेकिन पाठ आप लोग भी मिलकर कर रहे हो, कहिए पूरा दरबार, अरे बोलो रे जय जय, हो कहो रे जय जय, हो बोलो रे जय जय। सती रानी की मावड़ी झूझण वाली की, कहर जय जय सती रानी की मावड़ी झूझण वाली, बोलो रे जय जय। राजोचित की बहुनाई, राजनीति की बात चलाई, अर्जुन सा चर्चा में जाई, हर जाली राम की देखी चतुरता, बोले वचन नवाब तुरंता, सब प्रकार दूंगा सन्माना, आदर ओदा धन अरुधान, अरे पद दीवान आप अपना लो, मित्र हमारी बात न टालो, क्षण भर सोच किया मन माई, कैसे अब मैं करूं मनाई, कह नवाब दीवान सुजाना, नवा अनुशासन लीला, तुरत शयन व्यापारी की, प्रातः काल गणेश मनाई, रथ दिल्ली की ओर चलाई, हर आकर सारी कथा सुनाई, सुने हर शिशारद मन माही, जाली राम कहा समझाई, चलने की अब करो उपाय, नगर हिसार में पहुँच कर तेरा दीना डाल, काम दीवानी का सभी जल्दी लिया संभाल, जल्दी लिया संभाल, जय जय हो बोलो रे जय जय, हो कहो रे जय जय। सती रानी की मावड़ी झूझण वाली की, कहो रे जय जय। सती रानी की मावड़ी झूझण वाली की, हो बहु प्रकार कल्पना लगाई, राज काज करते मन लाई, अरे ऐसी सुंदर नीति बनाई, जाली राम की धीर दुहाई, बासल गोत्र जाति जालाना, दोस्त एक सुता जग जाना, जेते सुत थे कन धन दासा, माति पिता का ब्राह्मण दासा, रण बाकुर तलवार प्रवीणा, तैसा ही व्यापार प्रवीणा, सुता एक थी सुंदर श्यामा, गुरुवती थी शाना, अरे तुझे पुत्र मत कमल राम थे, सबकी आंखों की तारे, अरे माता पिता भ्राता अनुसारी, अति विनीत अति आज्ञाकारी, जाली राम प्रसन्न थे मन में सभी प्रकार, सुत दाराधन दान से पूरे थे भंडार, वो दयावान परिवार था पत्नी जाली राम, तन धन पुत्र सुजान थे दूजे कमला राम, दूजे कमला राम, हर गौ ब्राह्मण सेवा करते थे, खूब प्रसन्न सभी रहते थे, आ नवाब का पुत्र सुजाना, किशोर सब भाग सुहाना, राजकुमार कमल तन धन जी, साथ खेलते थे भरकर जी, कबहु कबड्डी खेल रचाए, कबहु सब मिल गाड़ी लगाए, अरे कबहु जाए जंगल के माही, मिल गया कर घर वापस आई, तन धन कमला राम राज सुते, चपल तुरंत दौड़ाते इतनी, अरे घोड़ी ते एक तन धन पाही, सूर्य अर्श भी देख ल जाही, हर बीत बती गति तेज तरारे, तन धन जी की आज्ञा पारी, अश्व दौड़ में चपल तुरंगी, आगे रहती तन धन संगी, राजकुमार विचारे मन कैसी तुरंग सुहाई, घोड़ी तो लायक मेरे
मन में गई समाई। यह प्रसंग यही छोड़कर चलो डोक बागाम, नारायण रहती जहाँ भक्तों की सुखधाम। और सेठानी कहे सेठ से हाथ जोड़ सिर नाय, पर ढूंढो नारायण हिते इत दूत पठाए। ओ इत उत दूत पठाए कहो रे जय जय, हो बोलो रे जय जय, हो कहर जय जय सती रानी की मावड़ी झूझन वाली, कहर जय जय सती रानी की मावड़ी झूझन वाली की। ओ गुरसामल ने दास पटाए, जोशी जी को तुरती बुलाए, लक्ष्मी ब्राह्मण दंपति सिर नाई, मन भावती आशीषा पाए, हरिबंदी चरण ब्राह्मण बैठाए, नाना विधि पकवान जिमाए। भोजन बाद आचमन की ना आशीर्वाद भी प्रभुल दीना, कर पूजन आसन बैठारी, सुनो विप्र अब बात हमारी, नारायणी के लिए विप्रवर दो देवी एक सुंदर, हर योग्य विवाह हुई नारायणी, 13 बरस की उम्र सुहानी, हर दंपति शुभ विचार तुम की ना, पुण्य आशीष विप्रवर दीना, बार बार दंपति समझाई, ब्राह्मण गवन की यूं हर्षाई, देखे वर अनेक नगरों में, कोई नवीर चढ़ा नजरों में, देश विदेश में ढूंढ कर ब्राह्मण हुयो निराश, दूल्हा योग्य ना मिल सको पूरी नमन की आस, चारों दिशा निहार कर द्विजवर वापस आए, अच्छा वर नहीं मिल सका खबर कराई जाओ, खबर कराई जाए, गुरसामल मन चिंता छाए, सेठानी भी अति घबराई, हर नींद न रात दिवस नहीं चैना, नारायणी बोली मृत भैरव, हर चिंता मत लावो मेरी माई, का उपाय एक समझाई, विप्र पटावो नगर ही सारा, सब ही बात उपकार तुम्हारा, बहु प्रकार धीरज बनवाई, द्विजवर चले गणेश मनाई, सायंकाल नगर निहराई, जाली राम घर पहुँची जाए, हर जाली राम को खबर कराए, विप्र एक द्वारे पर आए, आप आए सादर सिर नाई, अंदर तुरंत गए लेवाई, उचित वास मेहमान दिवाए, कहते आए, सकल प्रसंग दीवान सुनाए, जय हित द्वार तुम्हारे आए, सकल कथा सुन विप्र से मन में अति हर्षाय, हर दांगिन को मुदित मन बात सुनाई जाए, बात सुनाई जाए, ओ सुनि पति वचन मात हर्षानी, नारायणी सब भात सयानी, ओ सुन प्रियतम बड़ भाग्य हमारे, गुरु सामल बन समझी हमारे, नारायण तन धन की जोड़ी, जैसे रति जोड़ी, कान पत्र का बात सुनाई, हर्षित हुई शारदा माई, राम कमल ते अवसर आए, माता पिता सादर सिर नाए, यही कारण हर्षित पितु माई, पाती कहाती पाती आई, सकल प्रसंग दीवान सुनाए, कमला राम मगन हो धाए, ओ मन हर चाय विप्र पहि जाए, हाथी जोड़ बोले सिर नाए, जी मन हेत करो प्रस्थाना, गुरु सामल के विप्र सुजाना, भांति भांति के पाक बनाए, चौकी पर आगत बैठाए, हवा करे खुद जाली रामा, भोजन पर से कमला रामा, तन धन और मात कर जोड़े, खड़े हुए थे बाएं खोड़े, मन कल्पना करत है भूसुर, जाली राम धन तेरो घर, जाली राम की वैभव देखी, मन प्रसन्न भय अति विशेषी, मन ही मन आशीष सुनावा, हित आज मन नीर मंगावा, ओ भोजन कर अति प्रेम से आशीर्वाद सुहाए, कवन कियो विश्राम हिते मन में अति हर्षाय, ओ मन में अति हर्षाय, ओ बहु प्रकार की नी पहुनाई, की आगत की बहुत बढ़ाई, आज्ञा हो सो करहुं गुसाई, आयस दो बालक की नाई, ओ विप्र कहे सुन बात हमारी, अब देरी काहे व्यापारी, त्रयोदशी 51 सन का, करो लगन है हित सभी का, नवमी मंग सिर सुधी सुहाई, उत्तम लगन गौरी सुत ध्याई, ले बारात आवो है नरवर, हम भी अब चलते अपने घर, विदा किए भूसुर हर्षाई, राजा सूत समित सिर नाई, बहु प्रकार दक्षिणा दिवाई, चीर कनक रथ घोड़े गाई, हो विदा करा के ग्राम, ओ नारायणी के ग्राम।
आशीर्वाद महेश्वर दीना सकल कथा विस्तार बखानी पुरसामल ने अति सुखवानी पत्नी को भी तुरंत बुलाया पक्का हुआ लगन बतलाया अति हर्षित बोली महतारी देवन बिगड़ी बात संहारी वो अब विलंब के कारण की विदा किया ब्राह्मण तभी हो गुरु सामल जी लग गए तैयारी में जाए यह प्रसंग यही कथा का बदलू मो रुक्मणी बोली कृष्ण से शीश नवा कर जो शीश नवा कर जो बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय बोलिए श्री रानी सती मात की जय बोलिए श्री धन दास जी महाराज की जय बोलिए श्री राणा दास जी महाराज की जय अटल छत्र सरकार